डॉक्टर संजीव शर्मा, एक बार फिर आपका अपने चैनल स्वदेशी अदालत में स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही भावनात्मक और इस यूपी के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं। वैसे तो अभी आप जानते हैं कि एशियन गेम्स में जितने भी हमारे प्लेयर्स जिनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, सभी को मेरी बधाई। लेकिन विशेष बधाई हमारे यहाँ जिले मेरठ से शार्दुल विहान, जिसने रजत पदक जीता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे कम एज का ये बच्चा है कि मात्र 15 साल का। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इनके पिताजी दीपक विहान जी, आपके चाचा जो हमेशा उसके साथ रहते हैं मनोज जी, इनको मैं बधाई देता हूँ। और अभी इनके कोच अनवर सुल्तान वो शार्दुल के साथ ही हैं, क्योंकि अभी इसकी कोरिया में भी एक चैंपियनशिप 8 तारीख को होने वाली है। तो इनको मैं बधाई देता हूँ। कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे विहान जी, आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे ने जो आपका नाम इतना रोशन किया है, क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे ने हमारा नाम नहीं पूरे जिले का, पूरे यूपी का, पूरे देश का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। जो ये बच्चा इतनी कम एज में, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बचपन के बारे में, मतलब कैसे ये इधर इसकी तरफ इसका जो मतलब रुझान हुआ शूटिंग की तरफ, कैसे? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे तो किसी से बच्चों से पूछ लो, पहले क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं जी। तो हमने ये नहीं कहा बच्चे घर में खेलते रहे या कुछ ऐसी करें जी। तो हमने इसको क्रिकेट के लिए विक्टोरिया पार्क भेजा, जहाँ से प्रवीण ने धोनी खेल रहे हैं। तो वहाँ पे ये एक साल खेला, इसको बैटिंग भी नहीं मिली है, वो बॉलिंग भी नहीं, छोटा बच्चा था तो कोच ने भी थोड़ा दूर रखा बोलने लग जाए। तो उसके बाद में फिर ये बोला मुझे नहीं खेलना, मुझे बैडमिंटन खेलना। फिर एक साल ये बैडमिंटन खेलने गया, बैडमिंटन के बाद में ये बोला, जो एक दिन कोच ने 2 मिनट लेट होने की वजह से बैडमिंटन में उन्होंने मना कर दिया, तुम चले जाओ। मैं गया उनके पास तो जाकर बोले वो क्या नाम है वो भाई, ये आपके बच्चे में बैडमिंटन नहीं है, आपको ये बात बुरी लगेगी जी। तो मैं इस बोला भाई मुझे आपकी यही बात अच्छी लगी जी। बस फिर इसके बाद में शूटिंग शुरू हो गया और जी चलने के लिए। और ये छोटे भाई मनोज, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये मेरे सहयोगी हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, और इन दोनों की मेहनत है जो ये यहाँ तक आज तक आया है। और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा सब कुछ नहीं है, मैं तो उसका पिता हूँ, लेकिन धर्म का पिता मनोज है और उसका असली जो केयर टेकर धर्मेंद्र शर्मा जी है। आप मेरे बजाय आप इन दोनों से बात करें, मैं इसमें अपना फर्क समझूंगा। धर्मेंद्र जी आप आगे बैठिए जी। मनोज जी आप बताइए, आप उसके साथ रहते हैं हमेशा, तो क्या कैसा मतलब एक जो है परिश्रम करता है, मतलब किस तरीके से आप इसका आंकलन करते हैं? शार्दुल में स्टार बनने के एक अलग ही तजुर्बा है। शार्दुल हर किसी से जो है मतलब प्लेयर तो और भी हैं, इसके इवेंट के भी खिलाड़ी हैं, दूसरे इवेंट के भी खिलाड़ी हैं। शार्दुल शॉटगन चलाता है, शॉटगन में 3 इवेंट है, डबल ट्रैप, ट्रैप और शॉटगन जी। पर लेकिन शार्दुल की एक एक्टिविटी बिल्कुल अलग ही है जी। शार्दुल जो है अपने खेल से ज़्यादा लगाव रखता है, इधर उधर की बातों में ज़्यादा वो नहीं है। शार्दुल जो है परिश्रम बहुत ज़्यादा करता है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता है। शार्दुल जब शूटिंग करता है तो उसका केंद्र जो है केवल टारगेट पर रहता है, इधर उधर का नहीं, केवल टारगेट। और अभी जो मैच था ये इंडोनेशिया में पैलमबैंग में, मैं वहीं पे था जी। शार्दुल ने बहुत अच्छा मैच खेला, हर किसी की नज़र शार्दुल वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, दिखाई देता कि क्या नाम, ये बच्चा कोई ना कोई मेडल लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सभी लोगों को वहाँ पे ये था कि क्या नाम, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा। हर कोई पूछता था, जैसे मैं भी वहाँ खड़ा था, मेरे से पूछते थे ना सर ये बच्चा इंडिया से, हाँ जी मगर बच्चे इंडिया से, आप क्या मुकाम इसका मुकाम। तो जो है वो खेलने के बाद में जब इसका फाइनल मैच हुआ, फाइनल मैच में इसका जो लास्ट राउंड चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा ये थक गए। थकने के बाद में इसे मुझे लग रहा था कि क्या नाम, इसके चेहरे से महसूस हुआ कि मैं कहाँ थक गया, उसी चक्कर में इसने एक बड़ छोड़ दी। पर लेकिन उसे ये था कि क्या नाम, मेरा और उसका स्कोर बराबर बराबर है, कोरिया वाले का और मेरा स्कोर बराबर है, क्योंकि उसने स्कोर बोर्ड नहीं देखा था। अब वो राउंड पूरा होने के बाद में उसने स्कोर बोर्ड देखा, स्कोर बोर्ड देख के उसका एक पॉइंट ऊपर था, कहता चाचू ओके माँ कोई बात नहीं, मगर बेटे हमारा तो जो है ये
सिल्वर नहीं हमारा गोल्ड है, मगर दुनिया जीत दिया, बहुत बड़ा मगर दुनिया जीत दिया। अच्छा दूसरा मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि जैसा कि आप उसके साथ रहते हैं जी, बच्चा आपका हनुमान चालीसा पढ़ता है, हाँ जी हनुमान चालीसा, तो एक तो सभी यूथ को मेरी सलाह है, देखिए आपके जो भी पूज्य हैं आराध्य हैं उनकी पूजा जरूर करें, और इनमें कहीं ना कहीं कुछ बल होता है। हालांकि दीपक जी ने जब 19 तारीख को मैंने इनको बताया उसकी कुंडली देख करके, क्योंकि एक समय पर जब कोई भी बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं कुंडली सबकी सेव होती है, लेकिन एक चीज है हार्ड वर्क, कोयला और हीरा दोनों का केमिकल डिकम्पोजिशन एक ही है, लेकिन जब कोयले को बहुत ज्यादा तपाया जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेस किया जाए तब वो जाकर के हीरा बनता है, और यही शार्दुल ने कर दिखाया है। और सबसे अच्छी बात जो आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है आपसे जुड़ करके कि एक मैं उसका आध्यात्मिक गुरु जो उसको चाहता हूं कि ये आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि जितना मैंने इसकी कुंडली को अध्ययन किया है कि ये अगले 3 ओलंपिक खेलेगा और तीनों ही ओलंपिक में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा, शायद इस देश में इसके जैसा सितारा होना मुश्किल है, आने वाला टाइम ये रहेगा। और बहुत अच्छा उपहार आपने मुझे दिया, और मैं तो समझता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन अब इससे जुड़ करके और शार्दुल को मैं अगर कुछ भी दे सकता हूँ ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ शार्दुल मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, शार्दुल अपने लिए मेडल नहीं लाया, शार्दुल पूरे देश के लिए लाया, शार्दुल ने पूरे देश का सम्मान किया है जी, हर नागरिक का सम्मान किया है, वो जो मेडल पूरे देश के लिए देता है शार्दुल जो है वहाँ पे, जब उसका सिल्वर मेडल आया मेरी उससे बात हुई कि अल्लाह चाचू कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अगला इवेंट है वो भी वर्ल्ड कप भी, ऐसा नहीं है कि क्या नाम वो भी मिनी ओलंपिक है जी, नो मैं वहां जाकर उसे ठोक दूंगा। बहुत बढ़िया, एक ही लाइन इस बच्चे के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो कहते हैं ना कि बाज की नजर चीते की चाल, और शार्दुल की गोली पर संदेह नहीं करते, ये मेडल लेकर के ही आएगा बच्चा, ये बना ही इसके लिए है, और पूरे देश को फख्र है, पूरे देश को गर्व है, और कहते भी हैं कि संघर्ष किए बगैर कोई महान नहीं होता, और जब तक चोट ना पड़े पत्थर पर तो वो भी भगवान नहीं होता जी। इस शूटिंग के खेल में ये एक अलग ही सितारा है, ये चमकेगा और इस देश का पूरे का नाम रोशन करेगा पूरे विश्व में। इन्हीं शब्दों के साथ सावधान रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार, धन्यवाद।